टिहरी जिले के लौवा देवी मंदिर में कोलकाती फाग महोत्सव सीजन 2 का हुआ कार्यक्रम। क्षेत्र के कलाकारों ने बिखेरी हैं फाग की कलाएं। सीधी जिले के बहरी तहसील अंतर्गत लौवा देवी मंदिर परिसर में कोलकाती फाग महोत्सव सीजन 2 का कार्यक्रम किया गया, जहां पर कोलकाती क्षेत्र के 15 से 20 ग्राम पंचायत के कलाकारों ने फाग के माध्यम से अपनी अपनी कलाएं बिखेरी हैं। वहीं इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर आशीष मिश्रा एवं सच कला पाठक जनपद सदस्य पतुलखी तथा क्षेत्र के विभिन्न कलाकार एवं सैकड़ों से अधिक की तादाद में वहां पर दर्शक मौजूद रहे। वहीं भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष इंजीनियर आशीष मिश्रा ने कहा है कि फाग महोत्सव कोलकाती क्षेत्र के लिए एक वरदान है। यहां पर लोगों की कलाएं सामने उभर कर आएंगी। वहीं लोगों को प्रशस्ति पत्र दिया गया तथा उन्हें भी सम्मानित किया गया। वहीं श्री मिश्रा ने क्षेत्र के कलाकारों को शुभकामनाएं प्रेषित की है। ये हमारी कला संस्कृति है, लोक कला है और इसके संरक्षण हेतु जो अभी लोग इस 4G 5G के युग में YouTube में देख के इसको मना लेते हैं, देख लेते हैं, तो ये प्रयास रहा कि वास्तविक रूप से कैसे होता है और हमारे जो लोक कलाकार हैं इनको एक मंच मिले जिस मंच के माध्यम से अपना प्रदर्शन करें और तुलनात्मक भी अध्ययन करें कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि इनको अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पाता, अपने गांव में ही गाते हैं और अपने गांव में गा के निकल जाते हैं। तो एक तुलनात्मक कहीं ना कहीं इनके अंदर एक वो भावना आए कि हम और अच्छा कर सकते हैं, एक ये प्रयास रहा। ये दूसरा सोपान है, पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ग्राम पंचायत प्रबंधक तेदुआ ग्राम में किया था, इस बार भी प्रयास रहा तो अच्छा, सभी 15-16 पंचायतों की टीम आई, सभी का अच्छा सहयोग रहा, हमारे युवा साथियों का, सरपंच जी का, यहाँ के जनपद सदस्य जी का और सभी जनता जनार्दन जो भी लोग वहाँ के रहे हैं, काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रहा और इसी तरह के कार्यक्रम करने की प्रेरणा तभी मिलती है जब ये कार्यक्रम सफल रूप से सफल संचालित हो जाता है। क्या लगता है कि जो कोलकाती फाग महोत्सव कार्यक्रम है यहाँ के स्थानीय कलाकारों को कितना बड़ा मंच प्रदान कर रहा है? ये मंच निश्चित तौर से बहुत उनको एक मौका तो मिल रहा है बैठने का, उनको मौका मिल रहा है अपना प्रदर्शन करने का, जनता के सामने जाने का, ये विषय ही बहुत बड़ा है। ये कलाकार को सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कलाकार का सम्मान ताली है और वो ताली सुनने गदगद हो जाता है, वो आपके इनाम की प्रतीक्षा भी नहीं करता है, वो अपना कलाकार प्रदर्शन किया और उसके बाद ताली गड़गड़ाहट सुनेगा तो उतने वो खुश है। जितने भी कलाकार यहाँ साथी यहाँ आए थे आप इनका उत्साह देखिए, तो एक मंच मिले, इनको मुख्य धारा में हम लोग लाएँ, कुछ प्रयास करके इनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये हम नहीं सभी लोग करना चाहिए, जिसके यहाँ से युवा साथी भी अनुकरण करें। कभी हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का भी काफ़ी सहयोग रहा, आदरणीय सरोज दादा, आदरणीय पांडे जी, जितने भी हमारे सियाराम उपाध्याय जी, कुटेल, ये पुराने जो हमारे कलाकार हैं कोलकाता क्षेत्र के, इनका समय समय पर मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है, जिससे इस तरह से कार्यक्रम करने की एक इच्छा बलवती होती है अपने अंदर कि कुछ नया किया जाए, कुछ नवाचार किया जाए, बस यही है।